हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं न्यू बैच के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नया बैच आ रहा है 29th ऑफ नवंबर से, तो बैच के रिगार्डिंग कुछ बेसिक क्वेरीज होती हैं बच्चों की। तो फिलहाल इस वीडियो में हम आपसे वो क्वेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैच की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए होती हैं, जो आप नॉर्मली पूछते हैं, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें एक चीज समझिए कि बैच जो है वो बैच आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 29th ऑफ नवंबर से, यानी कि 29 नवंबर से ये बैच आपका स्टार्ट होगा। जैसा कि आप इस पोस्टर में देख पा रहे होंगे कि बैच की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 29th ऑफ नवंबर है। ठीक है, यानी कि 29 नवंबर से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि इसके रजिस्ट्रेशन जो है इसके रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे 27th नवंबर 2021 7 बजे से। जैसा कि आप जानते हैं हर बैच का रजिस्ट्रेशन इवनिंग में 7 बजे से आपके स्टार्ट होते हैं, तो 27th ऑफ नवंबर से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। यानी कि अगर आप बैच खरीदना चाहते हैं तो 27 नवंबर शाम 7 बजे से ये बैच खरीद सकते हैं। बाकी बैच के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ये जो मैथ्स स्पेशल बैच है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और इसकी क्या क्या स्पेशलिटी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो आपका बैच है ये लाइव प्लस बीओडी। लाइव प्लस बीओडी का मतलब क्या होता है पहले हम इसे समझ लेते हैं। यानी कि इसकी जो क्लासेज हैं वो आप लाइव देख सकते हैं, डेली लाइव क्लासेज चलेंगी। क्लासेज का जो शेड्यूल होगा वो मंडे टू फ्राइडे, यानी कि 5 डेज इन अ वीक, यानी एक वीक में 5 दिन क्लास चलेंगी। मंडे टू फ्राइडे ये आपकी लाइव क्लासेज चलेंगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम जल्दी ही होने वाला होता है, सर मेरा 2 महीने बाद एग्जाम है और सिलेबस का जो ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए जिन बच्चों के एग्जाम जल्दी हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में उनको प्रॉब्लम है, तो जो रिसेंटली बैच खत्म हुआ होता है उस बैच की पूरी बीओडी इसमें आपको प्रोवाइड करा जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएंगी। अगर आपका रिसेंटली जल्दी ही कोई एग्जाम है और उस एग्जाम के लिए आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो आपको ज्यादा दिक्कत करते हैं और आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड क्लास से आप उनको भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ पैरेलली अगर आप लाइव क्लासेस जैसे आपकी चलती हैं वो आपकी चलती ही रहेंगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किन किन एग्जाम्स के लिए ये बेसिकली यूजफुल होता है। तो देखिए, वैसे जैसा कि आप जानते हैं मैथ्स का जो सिलेबस होता है वो नॉर्मली 2 टाइप्स का होता है, एक अर्थमेटिक अंकगणित और एक आपका एडवांस मैथ। तो अर्थमेटिक मैथ्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा बैच कहां से स्टार्ट होगा, हमारा जो बैच स्टार्ट होगा वो अर्थमेटिक मैथ से स्टार्ट होगा, यानी कि अंकगणित। सबसे पहले हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे और अर्थमेटिक में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। अर्थमेटिक का सिलेबस क्या क्या होता है? देखिए, अर्थमेटिक का जो सिलेबस है वो बेसिकली हम उसे 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाएंगे आपको, और उन 4 पार्ट में से सबसे पहला जो पार्ट आपका होगा वो पार्ट होगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI एंड CI। ये आपका एक पार्ट होता है प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। एक पार्ट आपका अर्थमेटिक का अंकगणित का ये होगा। दूसरे पार्ट में हम आपसे पढ़ेंगे आपको डिस्कस करेंगे रेशियो, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज और एवरेज। तो दूसरा जो पार्ट होगा उस पार्ट में आपका अनुपात, समानुपात, मिश्रण, साझेदारी, आयु संबंधित प्रश्न और औसत। यानी कि ये जो 5 पार्ट टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक आपके रेशियो बेस्ड होते हैं, तो इन टॉपिक्स को हम एक साथ पढ़ेंगे बैक टू बैक, और इन टॉपिक को हम एक साथ पढ़ेंगे बैक टू बैक। तीसरा आपका होगा टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस एंड पाइप्स एंड सिस्टम। यानी कि समय और कार्य, कार्य और मजदूरी और पाइप और टंकी, ये तीनों टॉपिक भी एक जैसे ही होते हैं, तो इन तीनों टॉपिक को हम एक साथ पढ़ेंगे। चौथा जो आपका पार्ट आता है वो आपका पार्ट आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, ट्रेन, रेलगाड़ी, रेस, दौड़। ये सभी टॉपिक्स आपके एक जैसे होते हैं, तो इन टॉपिक्स को हम एक साथ डिस्कस करेंगे।
और लास्ट में आपका आता है डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई। आपने देखा होगा ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ग्राफ पर बेस्ड होते हैं। तो जो क्वेश्चन ग्राफ पर बेस्ड होते हैं उसे हम कहते हैं डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये भी आपका अर्थमेटिक का पार्ट है, यानी कि आप नोटिस करेंगे कि अर्थमेटिक जो है वो बेसिकली आपका पांच पार्ट में है। कितने पार्ट में है? पांच पार्ट में, ठीक है। पांच पार्ट में आपका अर्थमेटिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देने जाएं तो अर्थमेटिक मोस्टली ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन स्पेशली एसएससी और सीडीएस की बात करें तो यहां 50% के अप्रोक्स आपका 50-60% आपका अर्थमेटिक पूछा जाता है। बचा हुआ जो दूसरा पार्ट है एडवांस। अब देखिए एडवांस मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एडवांस मैथ्स की अगर बात की जाए तो एडवांस मैथ्स में आप नोटिस करेंगे कि हमारे टॉपिक जो हैं उसमें सबसे पहला, सबसे मेन टॉपिक जो आता है वो हमारा आता है नंबर सिस्टम। क्या आता है? नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कई छोटे छोटे टॉपिक्स कवर होते हैं और वो जो टॉपिक जो है वो आपके सामने है। हर एग्जाम में अलग अलग तरीके से ये पूछे जाते हैं। इसमें कुछ आपके जो सिलेक्टेड टॉपिक है नंबर सिस्टम में, ये टॉपिक आपके, ये सारे टॉपिक ध्यान दीजिए। नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम में एक नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम, आपका बायनोमियल प्रमेय, यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक, लास्ट टू और थ्री डिजिट यानी कि आपका टेंथ प्लेस और थाउजेंड प्लेस की डिजिट यानी कि दहाई का और सैकड़े का अंक, या फिर अंतिम दो और अंतिम तीन अंक पूछेगा तो भी हम कैसे निकालेंगे, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करणी, स्क्वायर एंड रूट, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, फैक्टर्स, भिन्न फ्रैक्शंस, आपका भिन्न फैक्टर्स, आपका गुणनखंड, इसके अलावा डिविजिबिलिटी, विभाज्यता पर आधारित, एपी, जीपी, एचपी यानी कि जो भी आपकी सीरीज होती है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, और इसके अलावा एक बॉड मास। एक आपका क्या होगा? बॉड मास। बॉड मास यानी कि भागुजोग, ठीक है, बॉड मास। ये भी आपका क्या होता है? नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। और ये नंबर सिस्टम जो होता है इसी से रिलेटेड कुछ आपका होता है एलजेब्रा। तो नंबर सिस्टम के बाद हम डिस्कस करेंगे आपका एलजेब्रा, ठीक है। एलजेब्रा को ही काफी बड़ा टॉपिक है तो इसे टाइप्स में डिवाइड करके डिस्कस करते हैं। 10 टाइप्स में आपका एलजेब्रा डिस्कस होगा। नेक्स्ट आपका आता है मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन की अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन में आपके तीन पार्ट आते हैं। एक तो मेंसुरेशन 2D यानी कि दो डायमेंशंस वाले क्वेश्चन, दो विमाओं वाले क्वेश्चन जिसमें जैसे लंबाई और चौड़ाई होती है, जैसे आपका स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, वर्ग, आयत, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ऐसे ही आपका 3D। 3D में जैसे कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, शंकु, घनाभ, घन, आपका गोला, ये सब 3D में आते हैं, और प्रिज्म, पिरामिड और टेट्राहेड, ये सभी आपका मेंसुरेशन का पार्ट है। और मेंसुरेशन जैसा ही आपका होता है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री को भी हम पहले ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन एक जैसे टॉपिक्स होते हैं तो इन दोनों टॉपिक्स को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स, रेखा और कोण, ट्राइंगल, त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, सर्कल, वृत्त, पॉलीगन, बहुभुज, ये आपका ज्योमेट्री का सिलेबस है। और इसके बाद आपका आता है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति को भी हम 8 प्रकार में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी। और सबसे लास्ट में आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति। तो आप ये कह सकते हैं एडवांस मैथ्स के ये जो टॉपिक हैं दोनों, एलजेब्रा और नंबर सिस्टम, इन्हें हम एक साथ करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक्स होते हैं। मेंसुरेशन ज्योमेट्री और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन्हें एक साथ डिस्कस करेंगे, और ट्रिगोनोमेट्री अलग है, वो आपको अलग डिस्कस करेंगे। अब यहां समझने वाली बात यह है, कुछ बच्चों के डाउट्स होते हैं, क्लासेस कितने दिन चलेंगी, टाइम क्या होगा उसका, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा, कितने महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा, कौन से टॉपिक्स को हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, तो उन सब चीजों को और हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले
आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा वो आपका जो होगा लगभग अराउंड 4 मंथ्स, लगभग 4 मंथ्स आपका केवल और केवल अर्थमेटिक चलेगा। यानी कि जो अर्थमेटिक का सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है ये लगभग 4 महीने चलेगा। अप्रोक्स 4 मंथ्स का सिलेबस आपका किसका होता है? केवल और केवल अर्थमेटिक का, अंकगणित का। अंकगणित का आपका केवल और केवल 4 महीने में आपका अर्थमेटिक ही खत्म होगा। इसके अलावा एडवांस मैथ 4 से 4.5 मंथ, लगभग 4 से 4.5 महीने में आपका क्या खत्म होगा? एडवांस मैथ। यानी कि कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो अप्रोक्स आपका 8 से 8.5 मंथ, 8 से 8.5 महीने में आपका कंप्लीट कोर्स खत्म होगा। क्योंकि ये कोर्स जो आपका होगा वो बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आप कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं तो स्टार्टिंग किसी भी टॉपिक की कांस्टेबल लेवल से होगी और एंड जो होगा वो सीजीएल मेंस और सीडीएस लेवल का होगा। यानी कि चाहे आप कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल प्री का दे रहे हो, चाहे सीजीएल मेंस का दे रहे हो, चाहे सीडीएस का दे रहे हो, चाहे सीएचएसएल, सीपीओ, बैंकिंग, अर्थमेटिक, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो बैच की जो स्टार्टिंग होगी बिल्कुल बेसिक लेवल से होगी और टॉप लेवल तक, मतलब मेंस लेवल तक के जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उन सब क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ इस बैच में आपके जो भी लेटेस्ट पेपर में जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं, सीडीएस का हुआ है जैसे रिसेंटली, या फिर आपका सीजीएल मेंस का अभी जो पेपर हो चुके हैं, या जो भी बैंकिंग वगैरह के, उनकी जो लेटेस्ट जो भी अच्छे क्वेश्चंस जो ऐसे होंगे जो रिसेंटली ही पूछे गए हैं, पहले नहीं पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को भी आपको इसमें ऐड किया जाएगा। यानी कि जो आपकी शीट होगी उसमें लास्ट 5 ईयर्स के जो भी बेस्ट क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को भी इसमें ऐड किया जाएगा। और इसमें कोई भी क्वेश्चन, जो कोई भी टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे उसे टाइप में डिवाइड करके डिस्कस करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस एक साथ साथ होंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन एक साथ होंगे। उसमें भी सबसे पहले इजी क्वेश्चंस होंगे, जैसे बताया हमने बिल्कुल कांस्टेबल लेवल का होगा। फिर जैसे 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 एंड होगा उस टाइप का, उसमें आपका सीजीएल मेन, सीडीएस, इवन कैट लेवल तक के भी कुछ क्वेश्चंस उसमें आपको डिस्कस किए जाएंगे। तो ये बात हुई आपकी सिलेबस में। सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है? सिलेबस हमारा 4 मंथ्स में अराउंड अर्थमेटिक और 4.5 मंथ्स में अराउंड हमारा एडवांस मैथ खत्म होगा। यानी कि 8 से 8.5 महीने में कंप्लीट बैच खत्म होगा। डेली जो क्लासेज आपकी चलेंगी वो क्लासेज चलेंगी 1 घंटा 15 मिनट से 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि अराउंड आपका फिक्स, मतलब कि 1.5 घंटे की क्लास है, लेकिन नॉर्मली क्लास आपकी 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में, वो टॉपिक पर डिपेंड करेगा, कोई पर्टिकुलर टाइप जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 1.25 घंटे से 1.5 घंटे क्लास रहेगी। टाइमिंग आपकी जो रहेगी इसकी सुबह 11 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक। मॉर्निंग में 11 AM पर आपकी क्लास स्टार्ट होगी और 12:30 बजे तक आपकी क्लास का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहेगी। सैटरडे में स्पेशल केस में क्लास हो सकती है, छुट्टियां ज्यादा हो गई या फिर सिलेबस मान लीजिए डिले चल रहा है, वैसे सिलेबस डिले चलता ही नहीं, सेट है सिलेबस, छुट्टियां कभी कभी ज्यादा हो जाती हैं, फेस्टिवल्स आ जाते हैं या फिर कोई एग्जाम आने वाला है, तो स्पेशल कंडीशंस में आपकी क्लासेस सैटरडे में भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली आपकी मंडे टू फ्राइडे ही आपकी क्लास रहती है। नॉर्मली किस किस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, ये बच्चों के बहुत डाउट होते हैं। तो देखिए एसएससी प्री प्लस मेंस, चाहे आप प्री का एग्जाम दे रहे हो चाहे मेंस का, एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे जीडी हो, कोई भी हो, सभी एग्जाम्स को यह कवर करेगा। एसएससी के ऑल एग्जाम्स को यह कवर करेगा। बैंकिंग एग्जाम का अर्थमेटिक कंप्लीट करता है, बैंकिंग का अर्थमेटिक कंप्लीट कवर होगा। सीसेट पूरा कवर होगा, सीडीएस पूरा कवर होगा, स्टेट का कोई भी एग्जाम है सब कुछ कवर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग बेसिक से होती है और एंड आपका टॉप लेवल तक का होता है, तो बेसिक सारे एग्जाम भी कवर होते हैं और टॉप लेवल का भी एग्जाम कवर होगा। तो नॉर्मली चाहे एसएससी का एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे सीडीएस का दे रहे हो, चाहे आप सी सेट का दे रहे हो, चाहे आप कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग अर्थमेटिक के लिए भी ये सफिशियंट है। तो ये सारे एग्जाम्स को आपका क्या करेगा? कवर करेगा।
कुछ बच्चों का ये भी रहता है कि सर हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, तो टॉपिक की जो स्टार्टिंग होगी 29-30 दिसंबर को, दो दिन, एक से दो दिन हम आपको डेमो कराएंगे। उस डेमो क्लासेस में हम आपको बेसिक नंबर सिस्टम का कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, और जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा एक से दो डेमो क्लासेस के बाद, टॉपिक आपका जो स्टार्ट होगा वो रेशियो से स्टार्ट होगा। यानी कि आपका जो सिलेबस स्टार्ट होगा पहले वो रेशियो, मिक्सचर, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, उसके बाद फिर आपका दूसरा कोई पार्ट स्टार्ट कराएंगे। लेकिन कोई भी पार्ट कराएंगे तो एक साथ एक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले परसेंटेज पढ़ लिया फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन, नहीं, सिस्टमैटिकली ये पार्ट एक साथ होगा, ये पार्ट एक साथ होगा, ये पार्ट एक साथ होगा, ये पार्ट एक साथ होगा। ये सभी एक कॉमन पार्ट है, अगर हम इन्हें सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं तो हमारे डाउट्स कम होते हैं और हमें चीजें अच्छे से क्लियर भी होती हैं। तो ये बात हुई बैच के रिगार्डिंग। उम्मीद है आप लोगों की जो क्वेरीज होंगी वो इस वीडियो में खत्म हो गई होंगी। अब बात करते हैं लास्ट में फीस की। तो जैसा कि बताया कि हमने बैच जो है वो 29th ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, लाइव प्लस वीओडी है। लाइव क्लासेस आप डेली कर सकते हैं, वीओडी इसलिए दिया जा रहा है कि अगर आपका कोई जल्दी ही एग्जाम हो तो आप पूरे बैच के चक्कर में, आपका ये ना हो कि सर हमारा एग्जाम है सिलेबस बहुत देर में खत्म होगा, आपका कोई टॉपिक की वजह से पेपर खराब ना हो, इसलिए वीओडी आपको इसमें फ्री दिया जा रहा है। तो अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप वीओडी यानी कि रिकॉर्डेड क्लास आपको साथ में दी जाएंगी, उससे आप कर सकते हैं। वन ईयर कोर्स की वैलिडिटी है, जिस दिन कोर्स स्टार्ट होगा उससे एक साल के अंदर तक आप इस कोर्स को देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 27th ऑफ नवंबर, 27 नवंबर से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, शाम को 7 बजे से। कोर्स की जो फीस है वो 2999, लेकिन लिमिट आप जानते हैं, डिस्काउंट मिलता है आपको, तो कोर्स की जो फीस है वो आपकी 1199 है, लेकिन एक लिमिटेड सीट तक ही। यानी कि आप जाइए तो आप पता ही है आपको कि एक टाइम के बाद कोर्स जो है वो आपका उसके एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, तो एक लिमिटेड टाइम तक आपको ये एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी एक चीज और भी है, ये भी आप सभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि पहले दिन, पहले 24 घंटे के लिए आपको फीस में कुछ एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि 27 नवंबर को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप 28 नवंबर तक शाम 7 बजे तक, यानी 24 घंटे में, पहले 24 घंटे में एडमिशन लेते हैं तो आपको ₹200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि जो फीस 1199 है वो आपको 999 पे करनी है, ठीक है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अगर आप पहले 24 घंटे में लेते हैं तो आपको इसके लिए 999 फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात हुई बैच की। फिर भी अगर कोई क्वेरीज हो तो आप करियर बिल ऐप पर जाकर के इस नंबर पर, ये आपका नंबर लिखा हुआ है, अगर इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हो तो ये नंबर है 7082128 9797, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो बैच है वो आपका कैरियरविल ऐप पर चलेगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप जानते हैं। हमें उम्मीद है बैच के रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो इस वीडियो में आपको मिल गई होंगी। हम एक चीज और फिट लेकर चाहते हैं, बैच की जो स्टार्टिंग होगा वो आपका पहले दो दिन आपका बेसिक डेमो चलेगा, उसके बाद रेशियो से आपका बैच स्टार्ट होगा और बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा। ये बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर ये क्या मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं है तो क्या ये बेसिक से होगा? जी हाँ, चाहे आपका मैथ्स बिल्कुल स्ट्रांग ना हो चाहे बहुत स्ट्रांग हो, स्टार्टिंग बेसिक से होगी और एंड जो होगा वो सीजीएल, मेंस, सीडीएस और कुछ कैट लेवल के क्वेश्चंस तक आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आप सभी की जो क्वेरीज हैं वो इसमें पूरी हो गई होंगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल मिलते हैं 29th ऑफ नवंबर को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।